गेट तो यही है यार। इस जगह उस जगह कोई था वहां पे। भाई 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 अंग्रेज हमेशा ठंडे प्रदेश से होते थे ना, इसलिए उन्होंने ना राजस्थान में होने की बात भी है ना सुन लिया। भाई एंट्रेंस गेट तो यही है यार। गेट टूट गया है। चिड़िया बैठी है यहाँ पे, देखो। रहने दो उसको, बैठे रहने दो। ये देखो गेट पूरा घुटा पड़ा है, गेट तोड़ के ले गए। पता नहीं यार कुछ तो हुआ ही है। भाई इस इसकी साइज देखना एक बार, थिकनेस तगड़ी है यार। कुछ तो बना हुआ है यहाँ पर भी, कोई ऑफिस बना हुआ है ना। हाँ कि भी मकोड़े आने लग गए। यही है ये सामने कुछ चमक रहा है क्या? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एक्सप्रेस में। मैं आपका भाई आरके आर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई कैमरे पर है अपने अशोक भाई और फिलहाल एक नई लोकेशन पर, जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी अभी फिलहाल वीडियो कम आ रही है, दो तीन दिन से एक वीडियो आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई अभी मैं लगा पड़ा हूँ भाई एक नए काम के अंदर, एक नए प्रोजेक्ट के अंदर। भाई प्रोजेक्ट कोई डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, बस काम यही है कि आपके लिए एक ऐसी ऐसी लोकेशन लेके आनी है जो भाई YouTube के इतिहास में आज तक कभी आई ही नहीं। भाई ऐसी लोकेशन पर आज मैं पहुंच चुका हूं और पीछे की तरफ जो मैंने अभी आपको दिखाया था भाई वो क्या है, अभी मैं वो भी दिखाता हूं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। टोर्च करना है इसके ऊपर, इसका एक बार व्यू नजर आए। पूरी झाड़ियों ने कब्जा कर लिया यार यहाँ पे। कभी कितनी चहल पहल थी, ये पूरा ग्राउंड हुआ करता था। वही तो भाई, भाई आज मैं खड़ा हूँ कम से कम यार यरका तो पता नहीं है 100, 200, 300 साल पुराना होगा ये समथिंग, एक डाक बंगला। डाक बंगला मीन्स जो पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते थे पुराने टाइम का, ये वही है। और भाई अब आप बोलोगे भाई डाक बंगला यहाँ पर, और आपका जो टाइटल था वो क्या, जो थंबनेल था वो क्या? भाई मैं ये आवाज किसकी आई है पता नहीं भाई, मैं इसको विजिट करने के लिए आने वाला ही नहीं था, पर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरा एक दोस्त है, ठीक है, और अपना सब्सक्राइबर भी है भाई यूट्यूब फैमिली का। भाई उसने ही मेरे को कॉल किया था और उसने ही बताया था कि आरकेआर भाई एक ऐसा बंगला है जिसको गांव वाले भूत बंगला भी बोलते हैं। मतलब भूत बंगला मीन्स भूत बंगला तो कोई यार 3-4 फ्लोर का होगा, बड़ा सा होगा, भूत बंगला किसको बोलते हैं? भाई आप आओ तो सही एक बार, इसको सच में भूत बंगला ही बोलते हैं। और ये है एक अंग्रेजों के टाइम का पुराना, उसके बाद में यहाँ पर कर दिया गया भाई गर्ल्स हॉस्टल, इसके अंदर शिफ्ट।
ये जो बाउंड्री दिखाई थी ये पूरी झाड़ियाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पर घास लगी पड़ी थी। ये देखो अभी भी घास तो है भाई यहाँ पर अंदर की तरफ है। ये देखो ये वाली गार्डन वाली घास ये वही है भाई, झाड़ियाँ कुछ नहीं थी। यहाँ पर मैदान था कबड्डी का, वॉलीबॉल का, लड़कियाँ वॉलीबॉल खेलती थी शाम को यहाँ पे। लड़कियाँ ये गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ पर लड़कियाँ रहती थी भाई, कम से कम 20 से 30 लड़कियाँ। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई सब कुछ हो गया, पर हुआ क्या भाई यहाँ पर हुआ क्या? टॉर्च करना, टॉर्च करना, पीछे टॉर्च करो एक बार, एक मिनट, एक मिनट, इस तरफ आओ। ऐसे लगा कोई था वहां पे, भाई आप बोलो कि भाई सब कुछ ठीक है पर ये हॉन्टेड क्यों है? अबेंडेंट है ये पर हॉन्टेड क्यों है भाई ये? और वो जो दिख रहा है ना भाई वो है बाथरूम, ठीक है, उसके लॉक लगा हुआ है अभी भी। भाई बोलते हैं कि दीपावली का टाइम था और जब गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर शिफ्ट था तो सारी लड़कियाँ अपने अपने घर चली गई थी, केवल 2 लड़कियाँ यहीं पर थी और जो गार्ड था जिसकी बाहर चेयर थी और वो जो रूम दिखा है ना भाई वो गार्ड का ही था शायद। हाँ वही लग रहा है, बाहर गेट के पास में चेयर लगाता था वो। पर भाई जब वो 2 लड़कियाँ थी ना भाई, उसने अपने दोस्तों को बुलाया यहाँ पर, ड्रिंक सब कुछ करी और उसके बाद में उन लड़कियों के साथ में गलत काम किया और अंदर उनको डाल दिया भाई। उनमें से एक की लाश मिली थी अंदर और एक लड़की भाई गायब मिली थी, ठीक है, और आज तक उस लड़की का पता नहीं कि वो कहाँ गई, पर उसकी एक की लाश मिली थी। अब यार वो कैसे भी उसको उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वीडियो पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा भाई, ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट ये वीडियो चली जाएगी तो मैं फालतू का जिक्र नहीं करूँगा। अब आप समझ जाओ कि उसने अपने आप को कैसे ख़त्म किया लड़की ने। और मैं ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आसपास में भाई कोई भी लोग आकर मेरे को डिस्टर्ब करें वीडियो शूट के टाइम पर, क्योंकि आसपास में हालांकि लोग नहीं है पर कॉलेज चालू है भाई पास का, पास में कॉलेज चालू है भाई और वहाँ भी गार्ड होते हैं। वहाँ से किसी ने टॉर्च मार दी तो वहाँ वहाँ के जो 3-4 लोग गार्ड है वो भाई उठ के आ सकते हैं। सुनो 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 एक आवाज आई। हाँ कौन है? आवाज सुनी? ये खर्राटे की आवाज लग रही है मेरे को। ये पायल की आवाज है, घुंघरू 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 की, ये हवा कैसे लिए अचानक? भाई आवाज तो ऐसे लगी है घुंघरू की, इस तरह में तो भाई क्या करें, अंदर चले क्या? लोग लगा पड़ा है। हाँ सुनो अंदर चलते हैं, चलते हैं भैया ना, ठीक है, वापस आवाज, वापस वापस अंदर से आवाज। इसके दिखो इधर, इसके दिखो तो कोई लोग, ये भाई ये बाथरूम है और इसके लोग लगा पड़ा है, देख लो आप, ठीक है, और इस तरफ के अंदर है भाई ये। अभी भाई अंदर से अंदर चलेंगे ना दोस्तों, अंदर चलते ही आपको ना पूरी इसकी बनावट जो अंग्रेजों के टाइम से मिलती जुलती है वो दिखाऊंगा भाई मैं। देखो भाई सबसे पहले तो आपको एक चीज दिखा, तुम देखो ये यहाँ पर सब बोर्ड है, ठीक है, ये सीमेंटेड, ये देख रहे हो आप पिलर, ये देखो यहाँ पे था भाई बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं भाई यहाँ पर पढ़ाई भी होती थी या यहाँ पर केवल हॉस्टल ही था। ये क्या हुआ? किसी में को टच किया? किसी में को टच किया? इस लगा उस जगह कोई था वहां पे। कौन है?
अच्छा भाई एक बात तो यहाँ पे भी था, एक ये अटैच था देखो, वो कॉमन था और ये अटैच था भाई। सबसे बड़ी बात देखी चिमनी, क्योंकि अंग्रेज हमेशा ठंडे प्रदेश से होते थे ना, इसलिए उन्होंने है ना राजस्थान में होने के बाद भी है ना चिमनियाँ बनाई है। और ऊपर का भी देखो इसका चारों तरफ भाई पूरा पूरा ना मैच हो रहा है ये ब्रिटिश का। पता नहीं यार अंदर आने के बाद में वो आवाज बंद हो गई, अंदर आने के बाद में आवाज तो बंद हो गई पर वापस 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 आवाज आई है। एक अलग अलग सी वाइब आ रही है यार। दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपका प्यार आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए भाई। इतनी रात को ऐसी लोकेशनों पे आता हूँ ना भाई, यहाँ से मजबूत कर। वो चल के गया। कौन है? यहाँ भी चिमनी, यहाँ पे भी चिमनी बनी पड़ी है। कौन है यहाँ पे? अच्छा भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई कि यहाँ पर लड़कियाँ रहते कैसे होगी भाई। तो यार पर भाई ये भी तो था ना उस टाइम शायद लाइटें वगैरह भी होगी, लाइट वगैरह थी और पूरा एकदम बढ़िया सा माहौल, पंखे के कुंडे वंदे लगे हुए हैं देखने के लिए है भाई, तो एक बढ़िया सा माहौल होगा यार उस टाइम। इतनी जाड़ी रही हवा पास होती सब धूप की आवाज आई है। उस जगह कोई था। कौन है? किस तक किस जगह पर? इस जगह पर हाँ अशोक भाई देख रहे हो सिंगल वाइब्स। इस गेट के बीच पीछे यार ऐसा लग रहा कोई छूने की कोशिश कर रहा है। कौन है यहाँ पे? फॉलो करो। क्या हुआ? कोई है भाई? लाइट कम रखो, लाइट कम रखो। कोई था यहाँ पे देखो गोजबंस भाई, एक बार मेरी कंडीशन क्या हालत हो रही है। कंडीशन देखो भाई हम ये पकड़ो आप कम्युनिकेट करो भाई एक बार उस चीज से ना कम्युनिकेट करो, तो बात करने की कोशिश करो भाई एक मिनट रुक जाना कर रही है कसम से। पीटर सामने बार बार ना ऐसा लग रहा है। एक मिनट कौन है? देखो हमें पता है आप यहीं पर हो, बात करो अशोक भाई सामने रखो क्वेश्चन करो। देखो हमें पता है कि आपके साथ गलत हुआ है, फिर भी हम आपसे बात करने आए ताकि
हम आपको कुछ भला कर सके। ये जो हमारे हाथ में यंत्र है इसके द्वारा हमसे बात करने की कोशिश करें। भाई 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 देखो आप कंटिन्यू आवाज आ रही है यार, अपनी ताकत ना दिखाए। हम आपके पावर को मैच नहीं कर सकते। हम ओनली, हमें पता है आपके साथ गलत हुआ है, हम उस चीज को बदल नहीं सकते, पर हम कुछ भला कर सकते हैं आपके लिए। क्या आप चाहते हैं कि हम कुछ करें आपके लिए, कुछ अच्छा कर पाए? अगर हम कुछ कर पाए तो हम सौभाग्यशाली समझेंगे खुद को। अशोक भाई, क्या हुआ भाई? बहुत हाथ में झटका लगा क्या? बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा, और गुस्से भी है। ये पकड़ो। पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है? अगर इनके माध्यम से अपन बात नहीं कर पा रहे ना, तो डायरेक्ट उसको फेस भी नहीं कर सकते। नहीं। और सबसे बड़ी अपनी, क्या आपके साथ में कुछ गलत हुआ? देखो मैं एक चीज बता दूंगा आपको। क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं? देखो मुझे पता है कि आप यहाँ पर मौजूद हो, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सामने आए, हमसे बात करें, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आपको देख सके। हम डर रहे हैं, हम आपके बच्चे समान हैं, आप मेरी बहन हो, और हम मेरे से बात करो, मैं आपको बहन मानता हूँ। हमें अपना भाई माने, क्या आप वापस सामने आ सकते हो हमारे? क्या दीदी मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दीदी मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप मेरी बहन हो? दीदी मैं आपका नाम जान सकता हूँ? देखो आपका गुस्सा जायज है, हम समझ पा रहे हैं आपके गुस्से को। देखा यहाँ पे पास में रहो, इसीलिए दिमाग खराब होता है बहन। जो सच में लोकेशन पे जाए क्या यार? ठीक है, लोगों को ना बातें आती इतनी बड़ी बड़ी, वो घर पर बैठ के बकचोदियाँ कर लेते हैं इतनी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका फेस देखा, इस जरों के में कुचला हुआ सा फेस, बहुत ही गंदा फेस पे रेड रेड लग रहा था। देखो हम आपकी इजाजत लेके आप इसके अंदर आए हैं। देखो जिसने आपके साथ में गलत किया उसको सजा मिल चुकी है, आप अपने गुस्से को काबू में रखें। आप मेरी बहन जैसी हो, ठीक है, और मैं मोक्ष दिलवाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर आप मेरे से बात करेंगे, आप मेरे को बताएंगे, अपनी कहानी व्यतीत करेंगे, तो मैं आपको जरूर मोक्ष दिलाऊंगा। देखो आप हम पर यूं हमला नहीं करे। भाई गुस्सा ना, गुस्सा ना, जो भाई गुस्सा ना। अपने गुस्से पर काबू रखे ताकि हम भाई, पता नहीं क्या हुआ यार अचानक से, बाहर चले गए। एक मिनट रुको, इसके अंदर आना। एक मिनट रुको। देखो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से बात करें, और मेरे सामने आए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं इतनी दूर आपसे
केवल और केवल आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ये सीन क्या है यार? सीन क्या है? एक मिनट अंदर इस तरफ। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो हम हमें भ्रमित ना करें आप। कोई गया इस तरफ आओ। देखो हम आपके गुस्से को समझ पा रहे हैं। हम आपसे वापस कह रहे हैं कि हम आपके गुस्से को समझ पा रहे हैं, पर आपका गुस्सा करना लाजमी है, जायज है, पर आप कहीं ना कहीं हमारे साथ संपर्क बनाने की कोशिश करें तो हम हो सकता है आपके लिए कुछ कर पाए। अशोक भाई, कोई गया इस तरफ, इधर से आओ, इधर से आओ भाई। भाई आगे चलो, आगे करो भाई। वो परेशान होकर वो चीज जरूर रहेगी हमारे सामने। वो सामने गेट भी थी यार, सामने। निकलते यहां से। भगवान मेरे बाबू, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। भाई बाहर निकलो यहाँ से। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। यार क्या था वो भाई? क्या चीज थी वो? इतनी पावरफुल एनर्जी है ना कसम से कि बता नहीं सकता मैं। आइए वो गई वो जा रही वो गई। चलो चलो भाग के